फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जानकारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 2019 का लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये बताया जाएगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव कब होंगे, किस दिन वोट पड़ेंगे और किस दिन उसका काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन ये है कि आने वाले लोकसभा 2019 के चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और कौन सी पार्टी हारेगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, आज तक के कारवी इंसाइट्स के सर्वे के मुताबिक कौन सी पार्टी चुनाव जीतने वाली है और कौन सी पार्टी चुनाव हारेगी और किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलेगा और किस पार्टी को कितना नुकसान होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद जो है दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे ही रेड कलर में सब्सक्राइब बटन बना हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा 2014 के मुकाबले इस बार जो है एनडीए को कम वोट मिलेंगे, यानी कि 2014 के मुकाबले जितना वोट एनडीए को मिला था यानी कि बीजेपी को मिला था उसमें जो है भारी गिरावट आ सकती है। और 2014 के जो सर्वे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो दोस्तों इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 2014 के मुकाबले 2019 में वोटों के मामले में बहुत अंतर आया है। 2014 में एनडीए को 36% वोट मिले थे, वहीं यूपीए को 23% वोट मिले थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने को पड़ सकता है एनडीए को, यानी कि बीजेपी को। दोस्तों, ताज़ा सर्वे के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन इस महीने का जो ताज़ा सर्वे है उसके मुताबिक एनडीए को 35% वोट मिल सकते हैं, यानी कि 35% अगर वोट की बात करें तो 3% एनडीए को नुकसान होगा। वहीं यूपीए की बात करें तो यूपीए को दोस्तों 33% वोट मिल सकते हैं, जिसमें उसको 10% का फायदा होता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कांग्रेस जो है यूपीए जो है उसको फायदा होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम इन वोट शेयर को सीटों में तब्दील करें तो अगले 5 साल के लिए लोकसभा की तस्वीर साफ हो जाती है और किसी भी दल को बहुमत मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि ना तो एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, ना ही यूपीए को, यानी कि या ना तो बीजेपी को ना कांग्रेस को, किसी भी दल को बहुमत मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में सीटों की बात करें दोस्तों, एनडीए को 237 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि जो एनडीए है, जो बीजेपी है, उनके सारे दलों को मिलाकर अगर सीटों की बात करें तो उनको 237 यानी कि 237 सीट्स मिल सकती हैं। और अगर नुकसान की बात करें दोस्तों, एनडीए को सीधा 99 सीट का नुकसान हो रहा है, यानी कि बीजेपी को इस बार 99 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। और यही बात करें अगर यूपीए की तो दोस्तों यूपीए को जबरदस्त फायदा होता हुआ दिख रहा है, यूपीए को 166 सीटें मिलने के आसार हैं, यानी कि 166 सीटें जो है यूपीए को मिल सकती हैं। वहीं अगर इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों यूपीए को सीधा 106 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है, यानी कि कांग्रेस को 106 सीट जो है अब इस बार फायदे में मिलेंगे, यानी कि 106 सीट का फायदा होने जा रहा है। वहीं अगर अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों को दोस्तों 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इन दलों को 13 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और आपको बात करें दोस्तों किस पार्टी का कितना नुकसान हो रहा है वोट शेयर के हिसाब से, तो दोस्तों एनडीए को यानी कि बीजेपी को 3% जैसा कि मैंने पहले बता दिया है नुकसान होगा। वही बात करें अगर यूपीए को तो दोस्तों यूपीए को 10% वोट का फायदा होगा। तो ऐसे में 2019 का जब इलेक्शन होगा तब जो साफ तस्वीर दिखाई देगी, लेकिन अभी हम तो सर्वे की बात कर सकते हैं, यानी कि दोस्त लोगों का मिजाज हमने जाना, लोगों से पूछा कि कौन सी पार्टी को कितने वोट मिलेंगे, यानी कि लोगों ने किस पार्टी के हित में कितने ज़्यादा यानी कि हुंकार बढ़ी है, तो इसके अकॉर्डिंग ही ये सर्वे हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना जाए। तो चले आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।